इज टेंथ ऑफ फेबर लेटेस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन टूडेज न्यूज पेपर द हिंदू आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस टोल हिट्स एट वन वन सेकेंड इज अबाउट ड्रग्स इन पंजाब थर्ड है वन विहार भोपाल फोर्थ है डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फिफ्थ इज अबाउट सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन इसमें हम बोडोज और नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे देन सिक्स इज अबाउट कैंट कैट कॉनड्रम कैट मीन्स दीज बिग कैट्स इसमें हम चीता के बारे में पढ़ेंगे सेवंथ इज अबाउट प्रोग्रेसिव अबॉर्शन लॉज एंड देन एट्थ इज अबाउट जर्नलिज्म इन द टाइम ऑफ एन एपीडेमिक नाइन्थ इज अबाउट इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक इसमें हम अगरतला अखोरा रेल लिंक के बारे में पढ़ेंगे दैन टेंथ इज अबाउट कावेरी डेल्टा प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन आज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे ये डिक्लेयर किया है डेल्टा को देन इलेवेंथ इज अबाउट लिथियम आयन बैटरी ट्वेल्थ इज अबाउट भूटान थर्टींथ है स्वाभिमान आंचल ये नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड ओडिशा में है यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छे इनिशियेटिव लिए हैं हम इसको जानेंगे देन फोर्टींथ इज अबाउट अग्री टू डिसअग्री फिफ्टीन्थ इज अबाउट स्टूडेंट एक्टिविज़म एंड थ है बांग्लादेश न्यू अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट सो लेटेस्ट स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ टूडेज न्यूज पेपर द हिंदू फर्स्ट न्यूज आइटम नोवल कोरोना वायरस टोल हिट्स 811 हंड्रेड एलेवन एस चाइना गियर्स अप टू री ओपन ऑफिस स्कूल ये जो फैटलिटीज हुई है ना एट वन वन की इसने क्रॉस कर लिया है टू थाउजेंड टू में जब सार्स एपेडेमिक हुआ था जितने वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं मतलब जैसे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हुए ये वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं नाउ पीपल आर रिटर्निंग टू वर्क वाई इसका एक रीज़न ये भी है कि ऐसा माना जा रहा है वर्स्ट इज ओवर समर्स आर कमिंग टेम्परेचर अब राइज होगा तो जब टेम्परेचर राइज होता है ना तो हॉट कंडीशन में ये वायरस जो होते हैं ये थोड़े वीक हो जाते हैं इनका स्प्रेड डैम्पन हो जाता है वायरस स्प्रेड डैम्पन्स इन हीट ऐसा हमने सार्स के केस में भी देखा था 2002-2003 में नाउ इसका इन्फ्लिक्शन पॉइंट आ गया है यहाँ पे ऐसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रडिक्ट बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन्फ्लिक्शन पॉइंट इज़ नियर इन्फ्लिक्शन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है टिपिंग पॉइंट टर्न अराउंड कि इसके बाद चीज़ें बदलने लग जाती हैं नाउ इसी बीच इंडिया ने अपना फ्रेंडशिप uh, जयशर आगे करते हुए कहा है कि इंडिया इज़ रेडी टू ऑफर एनी हेल्प जो भी हमसे बन सकेगा हम उसको जरूर हेल्प करेंगे चाइना के लिए सो दिस इज़ पेज नंबर वन अच्छा एक और न्यूज़ है यहाँ पे पंजाब विलेज फाइट्स ड्रग्स विद यूथ पावर पंजाब जो है ना इधर दो चीज़ें हैं जिससे ड्रग मैनेज बहुत ज़्यादा है पहला तो इसका इंटरनेशनल बॉर्डर इससे जो क्रॉस बॉर्डर सप्लाईज़ होती है ड्रग सब्सटेंस की वो इजीली अवेलेबल हो जाती है सेकेंड जो रीज़न है वो है वेल्थ आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर हम रिलेटिवली देखें ना तो ये पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुआ आइडल टाइम बहुत ज़्यादा लोगों के पास आया और खाली दिमाग शैतान का घर दैट इज़ वाई ये जो थे ये ड्रग की तरफ डाइवर्ट हो गए और इसी से पंजाब ड्रग बेनेस इतना बढ़ गया है आज की डेट में तो यहाँ के जो कम्युनिटी है वो ये बोल रही है कि हम प्रमोट करेंगे कम्युनिटी सर्विसेज टू रेज अवेयरनेस जो युद्ध की एनर्जी है ना इसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है करेक्ट डायरेक्शन में इसको डाइवर्ट करो तो ये कैंपेन्स जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक्स का स्टबल बर्निंग ट्री प्लांटिंग रोड सेफ्टी अगेंस्ट ड्रग्स ये सारे सोशल जो कैंपेन है वो इसकी तरफ इन यूथ को डाइवर्ट करना चाहते हैं मेरा पिंड मेरा मान द होल रीज़न इज द होल आइडिया इज़ कि इनकी जो एनर्जी है ना इनको खाली टाइम मत दो इनको इस कंस्ट्रक्टिव वर्क में उलझा दो ताकि ये एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़े एंटी प्लास्टिक ड्राइव कर रहे हैं कम्युनिटी वर्क को स्ट्रेंथन कर रहे हैं सो दिस इज़ अ वेरी नोवल आइडिया टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यूथ सो दिस इज़ पेज नंबर वन नाउ ये है पेज नंबर टू नाउ दिस इज पेज नंबर थ्री ये पेज नंबर फोर है ये पेज नंबर फाइव है लुक एट दिस ब्यूटिफुल एनिमल ये टाइगर है टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है ये जो टाइगर है ना ये है वन विहार नेशनल पार्क इन भोपाल ये भोपाल सिटी के अंदर है तो ऐसा कैसे पॉसिबल है वो इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ये एक स्पेशल टाइप ऑफ नेशनल पार्क है ये 1979 में बना था 4.45 स्क्वायर किलोमीटर में इसका स्पैन है ये जोलॉजिकल पार्क की थीम पे बना है सेंट्रल जू अथॉरिटी इसको एडमिनिस्टर uh, करती है ये जो एनिमल्स होते हैं ना इनको नियर नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है मतलब दे आर नॉट इन वाइल्ड बट इनको ऐसे फ्री एक जो इनका एरिया एनक्लोजर है वहाँ पर इन्हें नियर नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है अब ये जो नेशनल पार्क्स होते हैं ना ये आते हैं आई कैटेगरी टू में ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं 1936 में पहला नेशनल पार्क बना था हेलेज नेशनल पार्क जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया में आज अराउंड हंड्रेड एंड फोर नेशनल पार्कस हैं नेशनल पार्कस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती है जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं उसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ अलाउड होती है रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती है और ये जो नेशनल पार्क है इसका नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है मनाली और कुफरी में काफ़ी बर्फ हो रहा है सीवियर कोल्ड पेज नंबर फाइव नाउ दिस इज़ पेज नंबर सिक्स दिस इज़ पेज नंबर सेवन लॉस्ट इन द ग्लट डेली वेज लेबरर सॉर्टिंग ऑरेंजेस एट द होल सेल फ्रूट मार्केटेड कलामना इन नागपुर नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस है डिस्पाइट सीजनल रेंज फार्मर्स हैव्डेड अ बंपर हार्वेस्ट दिस ईयर नाउ ये प्रॉब्लम की बात है हार्वेस्ट अगर कम हो तो भी प्रॉब्लम है अगर बंपर हार्वेस्ट हो जाए तो ये सरकार का कमी है कि हम इस हार्वेस्ट के लिए कोल्ड स्टोरेज हम नहीं बना पा रहे है. इनको मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में इन फार्मर्स को अच्छी फसल होने के बाद भी चीप डर्ट चीप रेट में अपनी प्रोडक्ट ऐसे ही मार्केट में थ्रो करने पड़ते हैं थ्रो अवे प्राइस में उन्हें सेल करना पड़ता है कई बार आप देखोगे रोड्स में डालना पड़ता है इनको टोमेटो पोटेटो बिकॉज ऑफ बम्पर हार्वेस्ट सो दिस इज़ द शॉर्टेज ऑफ स्टेट शॉर्ट कमिंग ऑफ स्टेट वी नीड टू प्रोवाइड दैम कोल्ड स्टोरेज ताकि ज़्यादा जब स्टॉक हो तो वो हम बफर स्टॉक में उसको ईजिली स्टोर करके रख सकें ना दिस इज पेज नंबर सेवन यहाँ पे ये एक ट्विन बेनिफिट है ये मलम पुजा डैम कैचमेंट एरिया है पलक्कड़ इन केरला केरला में बैक वाटर्स भी है ना तो वैसे ही एक ये डैम है इस डैम में क्या हुआ है सिल्टेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा सैंड डिपॉजिट हो गई है तो सरकार क्या कर रही है इस सैंड को निकालेगी इससे क्या होगा डैम का जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगा और सेकेंड रीज़न ये जो सैंड होती है ये बहुत कॉस्टली होती है कंस्ट्रक्शन वर्क में ये सैंड बहुत कॉस्टली होती है तो सरकार इसको बेच देगी और एक्स्ट्रा उसको रेवेन्यू फॉर्मेशन हो जाएगा रेवेन्यू जनरेशन होगा देन दिस इज़ डी आर डी ओ टेक्नोलॉजी आज हम देखें ना तो सबसे बड़ा जो हमारा बॉटल नेक है सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के पास वो ये है कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की कमी है हम खुद से अपनी चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं हमको उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ता है फॉरन कंपनीज़ पर डिपेंडेंट होना पड़ता है यहाँ पे जो डी आर डी ओ चीफ है ये यह यहाँ पे नीति आयोग मेंबर वी के सारस्वत और ये यह यहाँ पे गए थे आई आई टी आ, हैदराबाद के कैंपस में और यहाँ पे इन्होंने एक इनोग्रेशन किया है ई e व्हीकल के एक स्टार्टअप है उसका प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है नाउ हमें ज़रूरत है कि हम रिड्यूस करें इम्पोर्ट्स को इंडिजिनस प्रोडक्शन हो वो सेवेंटी परसेंट अचीव करना हमें इमीडिएट प्रायोरिटी है स्पेशली इन डिफेंस सेक्टर डी चीफ है वी सारस्वत इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च के लिए गए थे अभी रिसेंटली हम वन थाउजेंड ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी लगा रहे हैं इसके लिए हमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी लिथियम आयन जो आगे हम एक टॉपिक में पढ़ते हैं आगे चल के देन ये जो डीआरडीओ है ना ये रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं और ये इसरो की तरह भी नहीं है कि ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करेगा डीआरडीओ रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नाइनटीन में इसको हमने बनाया था सो दिस इज़ पेज नंबर एट और ये है पेज नंबर नाइन अभी एयर इंडिया का सेल का बात चल रहा है ना तो एक इन्होंने एक एयर इंडिया के आर्काइव्ड फोटोग्राफ का एग्जीबिशन लगाया है ये एग्जिबिशन है इंडियन हेरिटेज अ पिक्टोरियल एग्जिबिशन ऑन द जर्नी ऑफ इंडियाज़ नेशनल कैरियर ये काफ़ी पुराना है जमशेद जी टाटा जे टाटा ने इसे बनाया था 1930s में फिर ये इंडियन एयरवेज़ हुआ फिर दो चलती थी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल उन दोनों को मर्ज किया अभी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू तो डिस सेल इट ऑफ देन ये टस्कर्स इन्होंने किलिंग ट्वेंटी टस्कर्स लुक एट देयर ऑडेसिटी इन्होंने बीस टस्कर मार दिए टस्कर्स एलिफेंट को बोलते हैं ये बरेली गेट्स बैक इट्स झुमका एट लास्ट एक फेमस सॉन्ग है ना तो उसी सॉन्ग के इसमें ये बरेली जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा झुमका एस्टैब्लिश यहाँ पे इंस्टॉल किया है ऐसा झुमका देन दिस इज पेज नंबर नाइन ये पेज नंबर टेन है एडिटोरियल सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन यहाँ अभी बोडो पीस अकॉर्ड साइन हुआ ना वाइल द न्यू अकॉर्ड एम्पावर्स बोडोज क्वेश्चन अबाउट एन एंड्योरिंग पीस रिमेन पीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीस डिविडेंड से बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स आते हैं और अच्छा होता है पीस पीस से ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है अगर पीस रहती है तो, तो नॉर्थ ईस्ट में पीस हमें बनाना बहुत ज़रूरी है अभी जो बोडोज थे ये असम में थे दे यूज टू फील थ्रेटन अबाउट देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी सो दे वार डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट इंसर्जेंसी इज ऑन राइस सो गवर्नमेंट ने अभी फाइनली एक स्टेबल सस्टेनेबल पीस अग्रीमेंट साइन किया है इस ग्रुप से तो इनको वाइडर ऑटोनॉमी मिलेगी विद इन असम स्टेट ये सेपरेट स्टेट का डिमांड ड्रॉप कर रहे हैं इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी विद इन असम स्टेट एक्सपेंशन होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया शेड्यल्ड एरियाज होते हैं ना तो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया का एक्सपेंशन होगा 1500 करोड़ का इन्हें डेवलपमेंट पैकेज दिया जाएगा इनको ग्रेटर कॉन्टिग्यूटी रहेगी इनके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में जनरल एमनेस्टी देगी एमनेस्टी मतलब माफ़ी मिलेगी मिलिटेंट्स को फाइव लैक मिलेगा जो अपनी जान खो गए थे नागा पीस अकॉर्ड हुआ था अभी कुछ टाइम पहले 2015 में देन ब्रोट ब्रू ट्राइब्स का अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था ब्रू ट्राइब्स जो एज अ रिफ्यूजी रह रही थी इनको सेटल किया गया था देन अब ये तीसरा बोडो तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है नॉर्थ ईस्ट के लिए इससे क्या होगा वहाँ पे पीस आएगी स्टेक होल्डर्स जो है ना अब इसके ये जरूरी है कि जो ये नया पावर मिला है इन्हें जया ऑटोनॉमी मिला है इसको वो शेयरिंग अग्रीमेंट पीसफुली सॉर्ट आउट कर जाए सो पीस डिविडेंड इज गोइंग टू पे बिग इन नॉर्थ ईस्ट ग्रोथ नाउ दिस इज अबाउट कैट कॉनन्ड्रम कॉनन्ड्रम मीन्स पहेली टाइप होता है कॉनन्ड्रम कैट कॉनन्ड्रम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि चीता को री इंट्रोड्यूस करें हम इंडियन हैबिटेट में चीता पहले इंडिया में था 1950s में आखिरी चीता मिला इन वाइल्ड और उसके बाद ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया इंडिया में बाकी बिग कैट्स मिलते हैं लायन है लेपर्ड लाप, है देन दिस टाइगर है ये चीता बस मिसिंग था तो ये एक नेशनल प्राइड भी लग रहा था कि हमें चीता को वापस इंडिया में लाना है ये जो वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन होता है ना तो ये इनडायरेक्टली बुलवर्क की तरह काम करता है बुलवर्क मतलब फेंसिंग होता है कि आपने मतलब एक चीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो ये उसका बुलवर्क है मतलब ये इनडायरेक्टली इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी का तो अगर हम एक वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करें ना तो इनडायरेक्टली हमारा ये पूरा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो जाता है सो दिस इज एक्ट एज अ बुलवर्क प्रोटेक्शन ऑफ नेचर नाउ अभी ये जो आएगा ना चीता ये अफ्रीका से आएगा एशियन चीता अलग होता है ये अभी केवल ईरान में है और एक अफ्रीकन चीता होता है ये दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है देखो एशियन और अफ्रीकन में वाई बिकॉज वंस अपॉन अ टाइम इंडिया एंड अफ्रीका वर्ट टूगेदर प्लेट टेक्टोनिक्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और इंडिया फिर टुवर्ड्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं जैसे एलिफेंट देखो लायंस देखो अभी चीता भी देखो तो एशिया और अफ्रीका में ये दोनों इनके रूट्स एक ही हैं जेनेसिस एक ही पॉइंट से हुआ है देन लाइन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं बट इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था तब उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है हम पहले उनके लिए क्यों नहीं वर्क करें जो अभी भी इंडिया में है इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रीइंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल लायन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डुगोंग बेंगोल फ्लोरिकन ये भी थ्रेटन स्पीशीज़ हैं हमें इनके कंजर्वेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दें जो चीज़ पहले आसान है हम पहले आसान चीज़ करते हैं फिर हम डिफिकल्ट चीज करेंगे और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो राइज में है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो फॉरेस्ट है वो श्रिंक होते जा रहे हैं तो हमें पहले फिज़िबिलिटी स्टडी करने की ज़रूरत है इंटेंशंस आर गुड बट हमें उसको देखना है कि वो फिज़िबल होगा या नहीं होगा हमें लिबरल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को एक बार फिर से री करना चाहिए इसका मतलब जैसे रोड बनानी है ना तो पहले रोड अगर फॉरेस्ट से निकलती थी तो बहुत डिफिकल्टी होती थी अब क्लियरेंसेस इजीली मिल जाते हैं फ़ॉरेस्ट काट दिए जाते हैं और रोड निकल जाती है तो ये जो लिबरल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हैं इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है सेकेंड चीता जो होता है ना ये जेनेटिकली बहुत फ्रेजाइल होता है इसके जो कब्ज़ होते हैं वो काफ़ी मतलब मोर्टेलिटी ज़्यादा है वहाँ पे सो वी नीड टू टेक दिस पॉइंट आल्सो इन कंसिडरेशन वी नीड टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ सर्वाइविंग स्पीशीज़ को अगर अपन पहले प्रायोरिटी दें तो हो सकता है ये अभी के टाइम में हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज़ में ज़्यादा हेल्पफुल हो, हो हमारे लिए देन ये दो आर्टिकल्स हैं नेशन फॉर द पर्सिक्यूटेड इसमें इंडिया के लिए बताया कि इंडिया में हमेशा वेलकमिंग रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखोगे कि अलग अलग कल्चर सब आके इंडिया में विज़िट करते रहे हैं आप इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखो क्रिश्चियनिटी इन्फ्लुएंस देखो और डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ पोर्तगीज़ थे सो so, इंडिया हमेशा वेलकमिंग रहा है सो दिस इज़ इज आवर कल्चर सेकेंड थिंग इंडिया एक बहुत क्लोजली निट हमेशा सोसाइटी रहा है यहाँ पे डाइवर्सिटी में भी यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ वी आर डाइवर्स बट वी आर यूनाइटेड नाउ दिस इज़ विक्टिम जस्टिस टू स्टेप फॉर्वर्ड वन स्टेप बैक इसमें नए प्रोविजन्स की बात किया है कि जो ट्रायल कॉन्विट्स होते हैं उनको क्या राइट्स मिलने चाहिए अननेसेसरी लूप होल्स में हम फंसते तो नहीं हैं दैन दिस इज़ अबाउट सीकिंग अ मोर प्रोग्रेसिव अबॉर्शन लॉ देखो ये बहुत दुख की बात है कि टेन विमेन डाई एवरी डे ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन इन इंडिया ये इंडिया में हर दिन दस ऐसे केसेज हो रहे हैं इसका रीजन क्या है जो अबॉर्शन लॉ है वो बहुत बैकवर्ड है रेग्रेसिव है इलीगल और अनसेफ ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है और वो फिर इनके लिए डेडली हो जाता है तो हमें इसके लिए लॉज तो इम्प्रूव करने हैं एट द सेम टाइम हमें जो हमारी सोसाइटल मेंटालिटी और जो प्रिजुडिशल जजमेंटल वे है वी नीड टू लुक ऑन दैट एज़ वेल इसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी इसमें क्या है रेगुलेटि जो फ्रेमवर्क है वो अलाउ करेगा लीगल अबॉशन इन सर्टन केसेस जैसे कि अगर मदर की हेल्थ में रिस्क है तो उस केस में अबॉर्शन होना चाहिए एबनॉर्मलिटी है चाइल्ड में या फिज़िकली मेंटली चैलेंज्ड है वमन या फिर वो रेप विक्टिम है अनवांटेड प्रेगनेंसी है सो इन सर्टेन केसेस वी नीड टू प्रोवाइड रिलैक्सेशन। देन इसमें जो लॉ लेके आया है ना इसमें दो चीज़ थोड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जहाँ इन्होंने आर्ग्यूमेंट उठाया है पहला ये ना विमेन की से को हर विल को ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हैं ये ऑटोनॉमी दे रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मतलब डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं लॉज जो बोल रहे हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं जो विमेन बोल रही है मदर जो बोल रही है उसको ये बैक सीट पे ले रहे हैं सो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ सेकेंड हम अभी भी प्रजुडाइज हैं अगेंस्ट अनमेरिड वेमेन को इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है फीटल अगर एबनॉर्मेलिटी है तो पोस्ट ट्वेंटी वीक्स के बाद ही उसमें अगर डॉक्टर्स परमिट करें देन इट इज़ पॉसिबल अदरवाइज नॉट तो इससे मदर लाइफ भी रिस्क होती है ऑल्दो इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड प्रोविज़न है जो इसको ओवर रूल कर सकता है टर्मिनेशन अलाउड एल्स नॉट सो दिस इज़ ऑल दो एन एक्ट इन बिल इन राइट स्टेप फॉर्वर्ड है अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं बट ये भी अभी इन सफिशेंट है हमें और चेंजेज लाने की ज़रूरत है ये लॉज और स्पेसिफिक बना सकते हैं अपन और हम जो सोसाइटी का जो मैंटेलिटी है और जो हमारा एटीट्यूड है वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल सो दिस इज़ अबाउट जर्नलिज्म इन द टाइम ऑफ एन एपिडेमिक ये बहुत थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल है ओपेड में ये जो सेक्शन होता है ना फ्रॉम द रीडर्स एडिटर इसमें बहुत अच्छा आता है इसमें एथिकल एंगल देखो आप इसका और इसके जो आइडियाज़ होते हैं दे आर वेरी वेरी एक्सेलेंट आइडियाज़ यहाँ पर इन्होंने बात किया है ए एस पनीर सेल्वम ने कि जर्नलिज्म इन द टाइम ऑफ एन एपिडेमिक आजकल हर चीज़ का इंफॉर्मेशन ओवर है सेंसेशनलिज्म चाहिए बिकॉज हर एक को अटेंशन चाहिए जर्नलिज्म शुड इन्फॉर्म रीडर्स नॉट क्रिएट पैनिक न्यूज़ का हम एक्रोनिम देखते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आके अनबायस्ड वे में ऑथेंटिक फैक्ट बेस्ड में आपको मिलनी चाहिए तो हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है जैसे आजकल पैनिक क्रिएट करते हैं वुहान में वायरस स्प्रेड हो रहा है ऑल दो उसका इन्फॉर्मेशन दो बट दे स्टार्ट टू क्रिएट पैनिक ताकि जो व्यूवर्स हैं वो डिस्ट्रेस हो जाए और फिर एक फियर और इस टाइप का प्रिजुडिशियल वे में इनको अटेंशन मिल जाए नाउ सिमिलरली टीचिंग में भी दो चीज़ें होती है शुड आई टीच शेयर माई अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज और शुड आई टेक एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन सिक्योरिटी एंड फीयर बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं ना इनसिक्योरिटी और फियर ये हर ह्यूमन बींग में होता है इनसिक्योरिटी भी होता है और फियर भी होता है तो इसका अन फायदा नहीं उठाना चाहिए देन ये होता है फियर साइकोसिस जो भी हमें स्टॉप करना चाहिए यहाँ पे एक और बात लिखा है इन्होंने कि हम हेडलाइंस बनाते हैं इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं क्लिक बेट्स बनाते हैं ये अटेंशन सीकिंग के लिए होता है ये कॉन्ट्रोवर्सियल सुपरफिशियल मैटर भी हो सकता है वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज अटेंशन स्पैन जो होता है ना वो रिड्यूस हो रहा है ओवर डोज ऑफ इन्फॉर्मेशन है कंटेंट है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो होते हैं यहाँ पे कई बार क्या होता है न्यूज़ में न्यूज़ रिपोर्टर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है डिफेंस का अगर वो साइंस कवर कर रहा है या स्पोर्ट्स कवर कर रहा है तो उसका जो लिखने का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा थीम एंड टोन चेंज हो जाएगी सो दैट इज़ वाई हमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट से ही वो कवरेज लेना चाहिए सेकेंड और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम फैक्ट चेक करें कोई भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है फर्स्ट चेक है सेंसेशनलिज्म इज़ नॉट राइट अब जर्नलिज्म में भी यहाँ पे प्रिंट और टीवी है प्रिंट तो फिर भी काफ़ी सेंसिबल है टीवी मीडिया यू ओपन टीवी न्यूज़ आइटम एंड यू विल सी कि सेंसेशनलिज्म ओवरडोज हो रहा है सो वी नीड इट इज़ टाइम दैट वी डिसाइड कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं सो so, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था यू गेट टाइम हैव अ लुक ऑन दिस आर्टिकल देन दिस इज पेज नंबर एलेवन ये पेज नंबर ट्वेल्व है इंडिया ने ऑफ़र किया है चाइना को कि हमसे जो भी हेल्प हो सकता है विल ऑफर यू हेल्प दिस इज़ अ गुड थिंग देन यहां पे बात हुआ है अगरतला अखौरा का देखो ये है हमारा इंडिया और ये पूरा है इधर से ये 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 जो है ना ये बांग्लादेश आ जाता है अब हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो हम यहाँ से इधर जाने के लिए हमें ये पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता है तो अगर इधर कोई कनेक्टिविटी हो जाए तो हमें कितना कन्वीनियंट हो जाएगा तो इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रेलवे लाइन्स डेवलप करें और इसी का एक प्रोजेक्ट है अगरतला अखौरा ये अगरतला है है ना अगरतला ये अगरतला त्रिपुरा अगरतला और ये अखौरा है यहाँ पे इनके बीच में एक रोल रेल जो प्रोजेक्ट है वो सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक कंप्लीट हो जाएगा इंडिया साइड का फाइव पॉइंट फोर सिक्स किलोमीटर है ये और जो बांग्लादेश साइड का है वो ये है 11 किलोमीटर अराउंड तो जो इंडिया साइड है वो कवर कर रहा है डोनर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और जो बांग्लादेश साइड का है वो भी हम ही कर रहे हैं इंडिया कर रहे हैं बट वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री देखेगी गंगा सागर से निश्चित निश्चिंत निश्चिंतपुर जगह है वहाँ पे ये कंप्लीट होगा सो कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यहाँ पर बात हुआ है कावेरी डेल्टा टू बी डिक्लेयर अ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन ये जो कावेरी रिवर है ना ये साउथ में बहुत सेक्रेड रिवर मानी जाती है ये कर्नाटका में ओरिजिन होती है देन तमिलनाडु में फ्लो होती है अब इसमें क्या ब्यूटी हो गई जोग्राफी की ब्यूटी ये है कि जब इंडियन मॉनसून समर मॉनसून होता है ना तो भी इसको पानी मिलता है और जब रिट्रीटिंग मॉनसून विंटर मॉनसून होता है तो भी इसे पानी मिलता है सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ कावेरी रिवर अब फिर भी इसमें पानी की कमी होती है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर शेयरिंग इशू हमेशा लड़ाई हो जाती है कर्नाटका में और तमिलनाडु में तो ये तमिलनाडु में समर विंटर दोनों मानसून है अब डेल्टा क्या होता है डेल्टा मतलब दिस इज़ डेल्टा दिस इज़ द डेल्टा जो डेल्टा होता है ना जैसे रिवर है रिवर सोर्स से निकली जब ये माउथ ओशन पे आती है ना तो ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ में छोटा छोटा डिवाइड हो जाती है और जो सेडिमेंट्स लेके आई है यहाँ से पूरे सेडिमेंट्स जो कलेक्ट करके लाई है वो यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है फैला देती है क्योंकि इसका फ्लो स्लो हो गया है रिवर का तो ये फॉर्म करती है लैंड फॉर्म डेल्टा ये डेल्टा बहुत टाइप्स के हो सकते हैं सबसे बड़ा डेल्टा है जैसे सुंदरबन डेल्टा डिपेंडिंग ऑन द टाइप हम देख सकते हैं रिवर डोमिनेटेड वेव डोमिनेटेड टाइट डोमिनेटेड जैसे एश्योराइन डेल्टा है क्यूसपेट डेल्टा है हम इसको सेपरेटली जोग्राफी में एक बार अच्छे से देख लेंगे सो दिस इज़ अबाउट डेल्टा नाउ ये जो डेल्टा है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑयल रिजर्व्स हैं शेल गैस है मिनरल रिजर्व्स हैं तो इन डेल्टा पे जिससे ओ एन जी सी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रही है इससे क्या होता है यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो डैमेज होता है इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि हम यहाँ प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन बना देंगे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन इससे क्या होगा स्टेट की परमिशन ज़रूरी है टू अंडरटेक प्रोजेक्ट नॉन एग्रीकल्चरल जो यूजेज है वो अलाउ नहीं होगा हाइड्रोकार्बन का जो एक्सप्लोरेशन है वो डैमेजिंग है शेल गैस रिजर्व ऑयर तो इससे वहाँ पर प्रोटेक्शन मिलने का इनको लग रहा है कि इससे थोड़ा हम कंजर्व कर सकते हैं इकोसिस्टम को ये लिथियम आयन बैटरी है ये बैटरी इसलिए ज़रूरी हो गई है बिकॉज हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चाहिए उसके लिए बैटरी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लिथियम आयन बैटरी चाहिए तो इसका इम्पोर्ट देखो कितना इंक्रीज़ हो गया है ये 2018-19 में फोर फोल्ड राइज़ हो गया है इंडिया में इम्पोर्ट में और इतने सारे पैसे भी लग रहे हैं हमारे इम्पोर्ट बिल राइज़ हो रहा है इसका इम्पोर्ट जो बेसिकली हम करते हैं वो चाइना साउथ कोरिया जापान से करते हैं हमारे यहाँ जो आई है ये भी बिल्ड करती है ये वाली बैटरी बट इसका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है तो ये सारी जो बैटरी बनती है वो अपने रॉकेट्स में ही लग जाती है आई के रॉकेट्स में तो इंडिजीनस प्रोडक्शन को हमें बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसमें नीति आयोग की एक रिपोर्ट है इसने कहा नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी इंड बैटरी स्टोरेज ये पूरा प्लान है पेपर में वी हैव टॉक्ड अबाउट लिथियम आयन बैटरी डिमांड नीड सॉल्यूशन नाउ दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व एंड दिस इज दिस इज़ पेज नंबर थर्टीन यहाँ पे बात किया है जो भूटान है ना भूटान क्या बोल रहा है कि ट्वेल्व हंड्रेड रुपी का एंट्री फी ले, ले लेंगे हम टूरिस्ट से मतलब जो फ्री एंट्री मिलती थी इंडियंस को वो अब नहीं मिलेगी बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ये जो बी वी आई एन मोटर व्हीकल अग्रीमेंट था इससे भी भूटान ने पुल आउट कर लिया है एनवायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी जो है भूटान की वो इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है दे वॉन्ट हाई वैल्यू लो वॉल्यूम मतलब कम टूरिस्ट आए उतने ही टूरिस्ट आएँ जिसको ये मैनेज कर सके नौ no. दिस इज स्वाभिमान आंचल नक्सल स्ट्रॉन्ग होल्ड ओडिशा में क्या है ये जो एरिया है ना स्वाभिमान आंचल ये बहुत बैकवर्ड है पुअर कनेक्टिविटी है यहाँ पे इसकी जो टेरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है तो जो स्टेट की प्रेजेंस है वो वहाँ पे कम हो जाती है जब ऐसा होता है तो नॉन स्टेट एक्टर्स आगे आ जाते हैं लाइवलीहुड इरिगेशन, क्रिटिकल रोड नेटवर्क्स, ये सब प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है हमें ज़रूरी है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे दें और यही सरकार यहाँ पे कर रही है ताकि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना फार्मर्स के पास वो वाइड स्प्रेड हो जाए टर्मरिक कल्टिवेशन यहाँ पर होगा और ये रिप्लेस करेगा गांजा को गांजा यहाँ पर कैनबी कल्टिवेशन को रिप्लेस कर देगा टर्मरिक कल्टिवेशन साथ ही साथ जो फ़ॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको प्रायोरिटी मिलेगी इम्प्लीमेंटेशन में ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो ट्राइब्स होते हैं ना वो अपना लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे जैसे गोंद हुआ या फिर गम गम गोंद या फिर आ, हनी या फिर कुछ जो टिम्बर है स्मॉल टिम्बर है इस पर वो डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए तो वो उनसे नहीं लेना चाहिए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट को रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बहुत ज़रूरी है इसके लिए एक मिलेट प्रोडक्शन uh, भी यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे और एक 11 किलो वॉट की डेडिकेटेड पाइपलाइन भी बनाएंगे सो दिस इज़ पेज नंबर 13 ये जो निप्पा वायरस था ना इसका यूएस एजेंसी ने एक बार स्टडी किया है हमारे नॉर्थ ईस्ट में और ये रूल्स के अगेंस्ट था बिकॉज इससे क्या होता है कई बार अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो इसका वाइड स्प्रेड वायरस आउटब्रेक भी हो सकता था इसकी परमिशन नहीं ली थी तो ये यह यहाँ पर इन्होंने बात किया है देन दिस इज़ पेज नंबर फोटीन देखो वॉकेबुलरी इम्प्रूव करनी है ना अपनी तो ये हिंदू क्रॉसवर्ड सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इसमें बहुत अच्छा क्रॉसवर्ड आता है अगर आप इसे डेली ट्वेंटी फिफ्टीन मिनट्स में सॉल्व करोगे ना तो ओवर एक महीने में बहुत अच्छी वॉकेबुलरी हो जाएगी आपकी देन अगर मैथ्स में सोडोको पसंद है तो ये आप सोडोको भी देख सकते हो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस मेंटल एबिलिटी शार्पनेस आती है बहुत इससे वेन द टैक्स निडल moves न्यू टैक्स रिजिम हमने बात किया था एक नया रिजिम आ गया है नया टैक्स स्ट्रक्चर है पर यह तभी मिलेगा जब आप ए टी सी डी के बेनिफिट्स को ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे कंपैरिजन में दिया है कि कुछ केसेस में ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर है वो उससे आप ज़्यादा टैक्स सेविंग कर पाओगे बट इसमें कैच क्या है पता है आपको ए में अगर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता था तो आप बिकॉज ऑफ़ दिस एग्जाम्शन ये इन्वेस्टमेंट करते थे पी में पैसा डालते थे और भी सेविंग्स एल वगैरह सेविंग्स करते थे तो इन अ वे आपकी सेविंग हो रही थी बट अगर आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा तो आप इंसेंटिव नहीं मिलेगा आपको सेविंग करने का सारा पैसा आपके हाथ में रहेगा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और आपकी सेविंग्स जो है ना वो यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगी और यही गवर्नमेंट इनडायरेक्टली चाह रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करें विच इज़ सम वी मे सेट दैट इट इज़ नॉट राइट मॉरली इट इज़ नॉट राइट ये बैंक फिक्स रेड डिपॉजिट्स भी देखो इसीलिए कम कर दिए ताकि बैंक में ज़्यादा पैसा नहीं हो बैंक से ज़्यादा पैसा आपके हाथ में हो और आप उसको फिर खर्चा कर दो सारा पैसा सो दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टीन ये अग्री टू डिसअग्री ये बहुत अच्छा आर्टिकल है आजकल ओपिनियन इतने ज़्यादा डिफ्रेंस ऑफ ओपिनियन होता है और इतने स्ट्रॉन्ग और ओपिनियन रेटेड होते हैं कि आप इवन अपने घर पे भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसको सिविलाइज्ड वे में देखें एंड इट इज़ अग्री टू डिसअग्री देयर आर टू फ्रेंड्स और दोनों का ओपिनियन अलग है दे कैन स्टिल बी रिमेन एज अ फ्रेंड तो वी नीड टू डिबेट स्टार्टर पैक है सबसे पहले रिसर्च करो अपनी राइट टाइम पिक करो योर ऑडियंस का लाइक्स डिसलाइक्स देखो अवॉइड फोकसिंग ऑन द अदर्स रॉन्ग लॉजिक यूज करो एंड वायलेंस इज़ नॉट अ थिंग सेट ऑफ अपॉचुनिटी ये स्टूडेंट एक्टिविज़म है आजकल स्टूडेंट एक्टिविज़्म आजकल नहीं हमेशा से ही रहा है स्टूडेंट एक्टिविज़म बट आजकल बहुत पॉलिटिसाइज हो गया है वॉयेंस आ गया है उसमें वी नीड टू नॉट गेट इन टू दैट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो टॉर्च बियर होते हैं ये कोई रॉन्ग टर्म नहीं है स्टूडेंट एक्टिविज़्मज गुड स्टूडेंट्स को जब एटीन ईयर्स में आप वोट डाल सकते हो देन यू हैव गॉट ऑल द राइट टू आप अपना स्पीक योर माइंड यू शुड स्पीक योर माइंड बट द पॉइंट इज आपका अनफेड वॉयलेंस नहीं हो आपका पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट में तो आप हेल्प नहीं कर रहे हो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये फ्रेश पर्सपेक्टिव लाते हैं ओपिनियन लाते हैं सो so, इनको सुनना बहुत ज़रूरी है हमें ज़रूरी है कि हम इन्हें ग्रूम करें इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए इन्फॉर्म चॉइसेस मतलब मैं आपको सब बता दूं कि ये ये ऑप्शन है एवरी थिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू नाउ यू मेक चॉइस वॉट डू यू वॉन्ट ये नहीं कि कुछ चीज़ मिसलीडिंग है या हाइड किया है या फिर टर्म्स एंड कंडीशन में डाला है सो वी नीड टू प्रोवाइड देम इन्फॉर्म्ड चॉइसज देन ये है पेज नंबर एटीन ड्राई सॉल्ट थेरेपी एक नया स्टाइल है देन यहाँ पे बांग्लादेश कल वर्ल्ड अंडर नाइनटीन चैम्पियनशिप जीत गया है इंडिया को इसने डिफ़ीट किया बट इसमें कुछ केसेस हो गए थे स्पोर्ट्स मैनशिप वॉट अबाउट स्पोर्ट्स मैनशिप द बिहेवियर वॉज नॉट अप टू मार्क देन सो दिस इज़ स्पोर्ट्स दिस इज़ स्पोर्ट्स ये बुश फायर जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना इसके लिए इन्होंने एक चैरिटी मैच किया था ये देखो ब्रैन लारा भी खेल रहे हैं हमारा तेंदुलकर भी है यहाँ पे ये रहे सचिन तेंदुलकर देर सचिन तेंदुलकर सो दिस इज द टूडेज न्यूज़ पेपर सो वी रेड अबाउट बांग्लादेश टू अंडर नाइनटीन वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टूडेंट एक्टिविज्म अग्री टू डिसअग्री देन स्वाभिमान आंचल ओडिशा में भूटान ने जो बारह सौ रुपये लेगा अब ये एंट्री फी टूरिस्ट से लिथियम आयन बैटरी हमने कावेरी डेल्टा के बारे में देखा अब वो हो गया है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चरल जोन इंडिया बांग्लादेश रेल लिंक अगरतला अखौरा हमने फियर साइकोसिस जर्नलिज्म के बारे में बात किया देन हमने प्रोग्रेसिव अबॉशन लॉज कैट कॉनंड्रम सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन, डीआरडीओ, वन विहार भोपाल ड्रग्स इन पंजाब और नोवल कोरोना वायरस टोल हिट्स एट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू वीडियो टेक केयर